अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। दोस्तों, एक छत का शौक मज़ीद गुलाबी बछड़ा माशाल्लाह से नुकरा। बाकी ऋशान में नीचे आ जाओ, तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी यहाँ तक ना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं। आज आपको अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए 2021 की तरह आज भी एक अनलोडिंग दिखा रहे हैं आपको, और भाई का रिव्यू भी लेंगे जिन्होंने बछड़ा पाला हुआ। और माशाल्लाह आप इसकी अनलोडिंग को एंजॉय करिएगा, और हमारे कहने के मुताबिक इन्होंने वो केज मंगवाया है ताकि ये सेफली नीचे उतर जाए। साथ में बछड़ा इन्होंने 3 साल पाला है, छत पे पाला है, बहुत छोटा सा लेके आए थे, बड़ी मेहनत करी है, और ये इनकी कुर्बानी का बछड़ा है। और इन्होंने बोला है, ऋशान भाई आवाम को थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो बछड़ा भी माशाल्लाह साथ है, और इसकी हौसल उसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। और आज अब इधर हैं, क्या नाम है आपका? अली नाम है। अली भाई है, माशाल्लाह से अली भाई है। ये अली भाई का बछड़ा है। अली भाई कितने साल पाला आपने? भाई मैंने 3 साल तक इसको पाला। 3 साल तक पाला, माशाल्लाह भाई। जब इस पर छुरी फिरेगी तो फिर दिल चिर जाएगा आपका। तुम्हारा भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अली भाई, मतलब यही शौक आप किसी फॉर्म पे भी पलवा सकते थे, या नीचे ज़मीन पे भी, छत पे ही? कुछ असल में छत पे इसलिए क्योंकि मैं पहले बकरे वगैरह हमने रखे हुए थे ना यहाँ पर, तो हमने का बछड़ा भी रखते हैं, मगर बछड़ा रखा है। मगर ये है कि मैं समझता हूँ कि यार छत पे बड़ा मुश्किल है बछड़ा पालना। सही हो गया, क्योंकि इसके जो सामान वगैरह खाने पीने की जो ये चीज़ें हैं ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर लेकर आना, ये करना, तो इसमें मुझे बड़ा मुश्किल लगा। मैनेज करना बहुत मुश्किल है गोबर। और जो रिजल्ट ज़मीन पे पलने का या किसी फॉर्म पे पलने का है वो छत पर नहीं है। वो छत पर नहीं है। अगर ये बछड़ा ज़मीन पर हो तो इससे मज़ीद अच्छा बने। और कराची की आवाम को मैसेज आपका यही है कि ये बछड़ा जो बछड़े पालें या बछिया पालें, खुदारा ज़मीन पर पालें, ज़मीन पर पालें या किसी फॉर्म पे पालें, देखिए एक्सपेंस उतने ही आने, बल्कि डबल मेहनत हो जाती है। आपने चौथी मंजिल पे रखा हुआ है, फोर्थ फ्लोर पे, और फोर्थ फ्लोर से मतलब एक बाल्टी गोबर नीचे लेके जाना, उसको फेंक के आना, या 2 बाल्टी गोबर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। बहुत मुश्किल होता है रोज़ाना की ये रूटीन है हमारी, क्योंकि रात में रोज़ाना इनका फेंकना होता है, इसका सब कुछ गोबर वगैरह, तो ये रूटीन में शामिल है। और जब से इसको पाला है 3 साल से, जिला नागा ऊपर आ रहे हैं और कर रहे हैं। चले अली भाई, हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक इसको साथ खैरियत के नीचे उतरवा। इसका नाम वाम भी कुछ रखा? नाम इसका जो है हमारे मेरे घर के बच्चों ने रखा, चुलबुल पांडे बोलते हैं हमारे घर के बच्चे। चुलबुल पांडे का चश्मा तो आएगी, चुलबुल पांडे हमारे। चलो ये लगाओ चश्मा, आ जाओ इसके साथ आ जाओ। थोड़ा बहुत अली भाई बछड़ा दिखाओ, बछड़ा भी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत साथ साथ रहिएगा। आज माइक यूज़ नहीं कर रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ दिखाएं, हाँ प्यार करें आप, बताएं भाई, माशाल्लाह। हाइट वाला बछड़ा माशाल्लाह से, बछड़ा खूबसूरत बछड़ा, और 3 साल पाला है भाई, मजाक। और बाकी जो है वो दोस्तों, हादसा जो पेश आया था उसके बाद ये डर भी गए थे, इरादा ये भी बना है इनका कुर्बानी का था कि जाओ यहीं पर ही छत पे कुर्बान कर लेंगे, लेकिन फिर जो है वही टेंशन के गोश वगैरह लेके नीचे जाना, ये करना, क्योंकि इनकी सीढ़ियों पे पूरा मार्बल लगा हुआ है, और स्लिप होने का जो है वो काफ़ी खतरा था। तो इन्होंने फिर जो है वो क्रेन मंगवाई है। क्रेन भी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, डबल पैसों में मंगवाई है इन्होंने, और केज के साथ मंगवाई है। बछड़ा जो है वो केज के साथ अनलोड होगा सेफली इंशाल्लाह। बस दुआ यही है कि आप जो है वो दुआ कीजिएगा, जब अनलोड हो रहा हो अल्लाह पाक साथ खैरियत के साथ जो है इसको अनलोड करवा दे। बाकी अली भाई का ये कहना है कि ये पहला और आखिरी शौक है मेरा छत के ऊपर, इसके बाद जो है छत के ऊपर शौक नहीं होगा। शौक होगा, बहुत मुश्किल है, बकरों का होगा, बछड़ों का नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गोट फार्मिंग आप छत पे कर सकते हैं, गोट फार्मिंग करें, मतलब आप कैटल की फील्ड में आना चाहते हैं या कैटल पालना चाहते हैं, या तो आप किसी फॉर्म पे दे दें करीबी, या फिर आप जो है अपना कोई नीचे गली में वहाँ पे कोई छोटी सी जगह बना लें, वहाँ पालें, मजा इंशाल्लाह यही करेंगे, कोई जमीन वगैरह पर ही शौक करेंगे तो फार्म पर करेंगे इंशाल्लाह। हालांकि कोई पालना मुश्किल नहीं है, बंदा आसानी से पाल सकता है, बस ये थोड़ा मैनेज करना है। आपके पास छोटी जगह होगी तो आप आसानी से मैनेज कर लोगे। और मेरा भाई मेरा मैसेज भी ये, कराची पे जितने भी छत हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप, मुनज्जम सेटअप बना हुआ है छत पे, और उन्होंने लेबर भी रखी हुई है, तो वो छत पे अगर पालना है तो रिस्क ना लें क्रेन से उतरवाने का, कुर्बानी छत पे ही करें।
अब देखें अली भाई माशाल्लाह से, ये भी एक मैं बात बता दूं आप लोगों ने कमेंट्स करने के, दिखावा और जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दिखावा शोदागिरी शोशा, हाँ। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, दुनिया सो रही है, करेन आ गई है, करेन आ जाएगी अभी, तो ये बछड़ा नीचे उतरेगा, ना पब्लिक होगी ना कोई दिखावा होगा। अली भाई ने हमें बुलाया, यार जिशान भाई मैं बछड़ा पाला हुआ है, इसका व्लॉग करना है। मैंने कहा नीचे उतार के व्लॉग करना है, बोला हाँ नीचे उतार के व्लॉग करना है। हमने कहा चलो, इस यहाँ पे एक बछड़ा अभी रिसेंटली आपको पता है 2 जानवर क्रेन से गिर भी चुके हैं, तो हमने बोला चलो एक पब्लिक को मैसेज भी चला जाएगा कि भाई पिंजरे के साथ भी जाए अनलोड हो सकता है बछड़ा, अगर किसी ने इस साल जो है वो पाला हुआ है तो वो अनलोड करवाए तो केज के साथ करवाए, क्योंकि बहुत से शौकीन हैं जिनका हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा अली भाई कहाँ कहाँ पल्ला है छत के ऊपर मार, तो वे पल्ला जानवर और बड़े हैवी जानवर, बड़े कीमती जानवर लोगों ने पाले हुए। अब जाहिर बात है आपने तो बकरे के पैसे दिए हैं भाई क्रेन वाले को, हकीकत है, हकीकत है ना, आपने जो बताया तो हर आदमी बकरे के पैसे दे, क्रेन वाला पिंजरा लिया। चलें सिल्वर पांडे बहुत अच्छा, अल्लाह पाक इसको साफ सैयद के नीचे उतारे केज के साथ, और ईद तक अल्लाह पाक इसको हर बीमारी से दुख परेशानी से महफूज रखे और आपकी कुर्बानी को अल्लाह पाक कबूल करे। वीडियो का क्लिप जरूर भेजना मुझे रोते हुए का, जितनी आप इससे मोहब्बत करते हो भाई, ठीक है। चलें दोस्तों, तो इंशाल्लाह जो है जब अनलोड होगा तो फिर कंटिन्यू करके आपको दिखाएंगे वीडियो। अभी जो है वो क्रेन थोड़ा जो है वो रास्ते में तो आ जाती है, तो इंशाल्लाह डला लो, आप खोलना चाह रहे हो तो बस हमसे डरेगा। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा इसकी मार्बल लगा हुआ है सीढ़ियों यहाँ पर छत के ऊपर, और इसकी आदत अब ऐसी बन गई है कि ये मार्बल पे जो है वो उछल कूद भी कर लेता है, स्लिप नहीं होता ये। चलें दोस्तों, इंशाल्लाह फिर अब जो है वो कंटिन्यू करेंगे वीडियो को जैसे ही क्रेन आती है, तो ठीक है अली भाई इसको बांध दिएगा, उधर ही बांध दो उसको मेरे ख्याल से, तो खूटे पे इसके अब केज जो है वो तैयार किया जा रहा है, बेल्ट केज के अंदर जो है बांधी जा रही है, फिर उसको जो है बराबर का बैलेंस किया जा रहा है, और अब जो है केज जो है वो ऊपर जो है वो अनलोड किया जाएगा, ऊपर इसको लिफ्ट किया जाएगा क्रेन के थ्रू, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो अनलोडिंग आपको दिखाते हैं बछड़े की, जिसका भी आपने व्लॉग देखा है कुछ ही लम्हात पहले। चलो भाई ये क्रेन और ऊपर जा रही है। बाकी मैं ये कह रहा था दोस्तों, अभी ये सेटिंग कर रहे हैं इसकी जो है वो जानवर को, इसमें जो है वो लोड करेंगे। बाकी कहने का मकसद ये था कि अगर पालें तो मेरे भाई थोड़ा बहुत खर्चा कर लें, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो है वो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था जिसमें एक बछड़ा जो है क्रेन के ऊपर ही गिर गया था। तो बाकी अल्लाह मालिक है, देखें इनसे भी हमने जो है वादा किया भाई, इनका भी जो है पहला और आखिरी शौक है ये, ठीक है, तो तभी हम वीडियो बनाना है, वरना नहीं करते हम ऐसी वीडियो जो है अगर ये पट्टों के थ्रू जो है सिर्फ अनलोड हो रहा होता। देख के वहाँ से धक्का मारो इसको, उस तरफ से आप जाके दीवार की तरफ से हटाओ इसको, हाँ। बाकी भाई बहुत मोहब्बत से पाला हुआ इन्होंने, और अगर चीज चाहते तो ये भी जो है वो नॉर्मली अनलोडिंग करवा लेते, लेकिन मुझसे इन्होंने रब्ता किया क्या किया जाए। मैंने बोला भाई देखो थोड़े बहुत पैसे जो है वो मज़ीद खर्च कर लो, इन्होंने भी फिर माशाल्लाह से जो है वो दिल खोल के जो है वो पैसा लगाया इसके ऊपर, क्योंकि समझ लें एक बकरी की अमाउंट जो है वो क्रेन के थ्रू जो है वो लगानी पड़ी अनलोड करवाने के लिए। तो बाकी अब अल्लाह रहम करे, ये देखो निशान भाई वाइपर टूट गया, डंडा ले लो कोई, ये बांस पड़ा हुआ ऊपर, बांस पड़ा हुआ ऊपर यार, ऊपर बांस पड़ा हुआ है। बंद कर दो नीचे करके मुंह बांध दो इसका, अच्छा केज की क्वालिटी जो है वो पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है, वैसे तो सही लग रही है बाज़ार, लेकिन ये जो शीट लगी हुई है साइडों में ना
नहीं नहीं ये नहीं लाते ना चला है बस ये चले भाई जो है वो अंदर तो जा चुका है बछड़ा और बाकी अब जो है वो अनकरीब जो है इसकी लोडिंग जो है वो स्टार्ट होती है। मौसम काफ़ी जो है खुशगवार है, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी लेकिन अब जो है वो मौसम अच्छा हो चुका है, बेहतर हो चुका है। मचलने लग गया दोबारा, अल्लाह खैर करे, खैर करे। चलें भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैलेंस आउट है। या अल्लाह रहम। अल्लाह रहम करे भाई, केज से हो या पट्टू से हो, अनलोडिंग तो अनलोडिंग है छत के ऊपर से, चौथी मंजिला से। इधर एक बंदे को खड़ा करवा दो या तो। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, या अल्लाह पाक रहम फरमा। पूरा जो है वो अलग थोड़ा डिसबैलेंस हुआ हुआ है दोस्तों, लेफ्ट राइट साइड के ऊपर जो है वो झुका हुआ है। मुझे पता है सबकी धड़कनें जो है दिलों की तेज़ हो रही होंगी, बस दुआ करते रहिएगा। फौरन फौरन वाला काम है बस ये। चलें भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक साथ खैरियत से आफियत के साथ जो है करवा दे। या अल्लाह पाक करम फरमा भाई। चले भाई नीचे उतर रहा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ के फूकते रहिएगा भाई। ओए 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 ओए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए 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 अल्लाह पाक रहम फरमा भाई। नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, ऊपर से भी बचिएगा। चलो भाई सात कैरियर से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पहुंच चुका है। काफी रिस्की था भाई, पहली बार जो हमने इसके थ्रू जो है वो अनलोडिंग देखी है, काफ़ी रिस्की था। और नीचे जाके अब कंटिन्यू करके दिखाते हैं आप। चले भाई सात कैरियर से जो है बछड़ा अनलोड हो चुका है।
तुमसे तो पानी बोला था ना तुमने, तो कोई पानी। अब जो है अली भाई से पूछते हैं, अली भाई, अली भाई दिल धड़क रहा था, तेज धड़क रहा था, तौबा कर ली। चलें दोस्तों, तो ये थी अनलोडिंग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। साथ के लिए तो उतर चुका है बछड़ा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।